हेलो एवरीवन बेटा, हम चैप्टर नंबर 1 इंडियन इको ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहे थे, जिसमें मैंने अभी तक तीन चार छोटे छोटे कंसेप्ट करा दिए हैं। जल्दी से खाली एक बार हेडिंग्स रिवाइज करा दूं, अदरवाइज कल पूरा चैप्टर रिवाइज कराया ही था, कल दोबारा रिवाइज करा देंगे। अभी जो नया टॉपिक है उसे स्टार्ट कराने से पहले क्या क्या किया वो अगर 2 मिनट में बताऊं। कॉलोनियल रूल का मीनिंग समझाया? कॉलोनियल रूल का मीनिंग क्या है? जब एक वेल्दी नेशन एक्सप्लॉइट करता है रिसोर्सेस किसकी, वीकर नेशन की, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किसके साथ किया, इंडियंस के साथ किया, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, कॉलोनियल रूल का। फिर हमने कहा था ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल कौन से साल में स्टार्ट किया था, 1858 में। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिशर्स की रूलिंग कब स्टार्ट हुई थी इंडिया पे, 1858 में। बेटा बात ना हो बिल्कुल भी जब मैं कंसेप्ट समझाना स्टार्ट करूं, बिल्कुल शांत। उसके अलावा मैंने इस चैप्टर को चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें ए वाले पार्ट पे डिस्कशन चल रहा है, आज कोशिश करेंगे ये कंप्लीट करें। बाकी मैं बी और सी ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, और अगले लेक्चर में ये चैप्टर हमें अलविदा कह देगा, इस बात की गारंटी है। अभी के लिए इन दोनों छोटे छोटे टॉपिक में क्या कराया था, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में क्या समझाया था कि आपके यहाँ की वर्क फोर्स किस किस सेक्टर पे कितनी कितनी डिपेंडेंट है। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर पे उस समय कितने लोग डिपेंडेंट थे, 75, सेकेंडरी में 10 और टर्शरी में 15%। और फिर एक और बात बताई थी, पंजाब साइड, उड़ीसा और राजस्थान साइड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो कर रहा था, और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहाँ पे क्या ग्रो कर रहा था, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर। फिर ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बातें बहुत सारी करी थी आपके साथ कि इंडिया में उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना था, 32 साल, लिटरेसी रेट कितना था, 16, और फीमेल लिटरेसी रेट तो कितना ही था, 7% ही था। आईएमआर कितना था, 218। यही तीन मेन डाटा है जो आपको याद रखना है। और इम्पैक्ट में कल मैंने कौन सा ऑलरेडी इम्पैक्ट कंप्लीट करा दिया, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल करा रहा था, जो आज कंटिन्यू करा के कंप्लीट कराऊंगा। टाइम बचा तो इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड भी खत्म कर देंगे, नहीं बचा कोई दिक्कत नहीं, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय सी। और उससे अगले दिन ही आपको क्या देना है, टेस्ट देना है, इस बात को याद रखना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आज तक इंडियन इको के पेपर ही कितनी बार हुए हैं बोर्ड्स में, मैक्सिमम 2 या 3 साल, क्योंकि इंडियन इको आई कब है 12th क्लास में, आज से 2-3 साल पहले, जिसमें एक साल कोविड आ गया तो जो पेपर हो नहीं पाया। पिछले साल सीबीएसई का दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ था, पहले फर्स्ट सम लिए जिसमें एमसीक्यू आ गए, तो जिसमें फिर मेन क्वेश्चन नहीं आ पाए, और सेकंड टर्म में जो चैप्टर आए थे वो चैप्टर ये है ही नहीं। कुल मिला के 1 साल है हमारे पे इस चैप्टर का क्या देखने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, बेटा पहले मैक्रो के साथ माइक्रो थी 12th क्लास में, आज से 3 साल पहले माइक्रो 11th क्लास में चली गई थी, और इंडियन इको 11th से कौन से क्लास में आ गई थी, 12th क्लास में आ गई थी। लेकिन बेटा कुछ नहीं होता, वो मैं करा दूंगा आपको जो भी कराना है। अभी के लिए इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर कंप्लीट था, इंडस्ट्रियल करा रहा था, जल्दी से जो हो गए उसे रिवाइज कराऊंगा और उससे के आगे कंटिन्यू कराऊंगा। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा जाए तो चैप्टर बहुत लेंदी है नहीं, मैं जितना करा रहा हूँ मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हम इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का समझ लो, इंडियन इको में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बेस क्या बनाएंगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने नहीं वाले हैं, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। एमसीक्यू मेरे पे अलग से है, 50 एमसीक्यू की फाइल, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें प्रैक्टिस करेंगे। बात ना हो बिल्कुल, कल क्या क्या बातें समझाई थी, जरा इसे हटा दूं, 3 पॉइंट समझाए थे, ये चार, तीन, कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया तो उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ क्या किया वो पॉइंट करते हैं। मैं कुछ बेटा कुछ अपने विचार रखना चाहूंगे। हाँ, पहला एक पॉइंट था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर एक कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है क्या करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नई नई क्या लगाना, इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में इंडस्ट्री खत्म करना। क्यों खत्म करना चाहते थे, सिंपल रीजन, क्योंकि वो ये चाहते थे जब ये इंडस्ट्री खत्म होगी तभी तो उनका काम बनेगा,
जब यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तभी तो हम कहाँ से गुड्स खरीदेंगे, ब्रिटिशर्स से गुड्स खरीदेंगे जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो रिलेटेड पॉइंट बताया था पहले वाला, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था। और बेटा मैंने कहा था उनकी स्ट्रेटेजी समझो कितनी बड़ी है, उन्होंने इंडिया से हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए तीन काम करे, और ये तीन काम आज द्वारा लिखेंगे ही। क्या क्या तीन काम कराए थे? इंडिया की प्रोडक्शन को और इंडिया की मार्केटिंग को खत्म कराने के लिए, कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट गुड्स कहीं बिके ही ना, तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या करे, तीन रूल समझाए थे मैंने आपको उस हैंडीक्राफ्ट को खत्म कराने के लिए। एक सेकेंड, कोई मुझे बताना चाहेगा वो हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने के लिए कौन से तीन उन्होंने पॉलिसी करी थी? बता दो। पहले तो उन्होंने कहा इंडियन वेवर्स किसके यहाँ काम नहीं करेंगे, इंडियन मर्चेंट के यहाँ। मतलब अगर आपको हैंडीक्राफ्ट के लिए अपने यहाँ कोई वर्कर रखना है इंडियन, तो आप चाह के भी रख नहीं सकते थे। इससे उन्होंने किस पे इम्पैक्ट डाला ये चीज करके? उन्होंने कहा कि आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले उन्होंने क्या कोशिश करी कि आप क्या ही ना कर पाओ, प्रोडक्शन ही ना कर पाओ। अगर आपने कोशिश करी कि हमने फिर भी प्रोडक्शन कर ली, हम खुद ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसे क्या करना चाहोगे, बेचना चाहोगे, सोल करना चाहोगे मार्केटिंग पे? तो उन्होंने क्या करा, आपके गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी। आपने कहा जो चीज हमने इंडिया में बनाई इंडिया में बेच देंगे, उसके लिए उन्होंने अपने यहाँ के गुड्स इंडिया में क्या कर दिए, डंप, अपने मार्केट प्राइस से लेस देन जो उनका खर्चा आता था उससे भी कम रेट पे इंडिया पे सोल्ड आउट करा दिए। तो ये तीन पॉइंट कल कराए थे, कौन कौन से? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सेकंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इन्हीं दोनों का इम्पैक्ट आया था जब इंडस्ट्री खत्म होगी तो कौन सी क्रिएट हो, क्या क्रिएट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा आज तो गलती कर दी टॉफी खाने के बैच के बीच में, आज के बाद ये गलती हो ना जाए। ये बात मैंने आपको कितनी बार कह रखी है, जब मैं समझा रहा हूं टेंशन टेंशन कम होगी क्या? नहीं, बेटा जो भी ये टॉफी चिंगम जो भी चबा रहा है, बेटा इसे ना आज के बाद बैच में चबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, बाहर चबा के आओ और बाहर ही फेंक के आओ। फिलहाल के लिए बेटा मैं तीन पॉइंट जो करा चुका हूँ उसे जल्दी से दोबारा एक बार रिवाइज कराऊँ। क्या बता रहा था? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तीन पॉइंट उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया जी। दूसरा, उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने दी, इन दोनों से क्या हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन पॉइंट कल कराए थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा जब ये तीन पॉइंट हो चुके हैं, इसका एक एक करके इम्पैक्ट देखते हैं। भाई उन्होंने इंडिया का हैंडीक्राफ्ट तो खत्म कराई दिया, इंडिया में इंडस्ट्री खत्म कराई दी, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अब भाई जब इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, गुड्स तो चाहिए, गुड्स तो खरीदोगे, इंडिया के नहीं खरीदोगे तो किसके खरीदोगे, ब्रिटिशर्स के खरीदोगे। तो इसीलिए इंडिया में किसकी एंट्री होगी, ब्रिटेन गुड्स की एंट्री होगी, बर्थ हो गया इंडिया में। किसका बर्थ हो गया? मॉडर्न इंडस्ट्री का। मॉडर्न इंडस्ट्री में भी कौन से गुड्स का? ब्रिटेन गुड्स का। बेटा आपको इस वाले पॉइंट में ये लिखना है जो मैं नेक्स्ट समझा रहा हूँ, कि ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को इंडिया में एंटर कैसे करा पाए, वही पुरानी बात, क्योंकि उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन खत्म करा दी, मार्केटिंग खत्म करा दी, तो ऑफ कोर्स किसकी एंट्री तो होनी होनी थी, ब्रिटेन गुड्स की एंट्री तो होनी होनी थी। इसीलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कंटिन्यूटी में याद रखोगे लिंक के साथ तो याद रहेगा, अदरवाइज याद भी नहीं रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट है इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट के। इसी का इम्पैक्ट क्या आया, अमर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स। कौन से कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ी? ब्रिटिश, ना कि इंडियन। और एक और बात बेटा, इसके बीच का कंटेंट कुछ भी नया नहीं है, अगर एक बार मैं रीड कराऊं तो आप देखोगे वही पुराना कंसेप्ट है जो डिक्लाइन वाले में लिखा था। एक बार मेरे साथ पढ़ लेना क्या कह रहा है। इट वॉज द लास्टिंग गोल ऑफ ऑल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। कह रहा है यही तो उनका ऑब्जेक्टिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, कि
उन्होंने इंडिया में किस चीज पे अटैक किया, प्रोडक्शन पे भी और मार्केटिंग पे भी। देखना ये वही तीनों पॉइंट है या नहीं, कि कैसे उन्होंने प्रोडक्शन और मार्केटिंग पे इम्पैक्ट किया, जो मैंने डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में समझाया था। उन्होंने प्रोडक्शन को खत्म कराने के लिए क्या करा, इंडियन वेवर्स को फोर्स किया कि आप किसके लिए काम नहीं कर सकते, इंडियन मर्चेंट के लिए, वही पुराना पॉइंट। उसके बाद उन्होंने इंडिया का मार्केट साइज कम करने के लिए क्या किया, वही पुराने पॉइंट। उन्होंने क्या लगाई, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, और वही पॉइंट, डंपिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स। कितने बच्चे कहते हैं ना कंटेंट ज्यादा है, भाई कंटेंट ज्यादा नहीं है, समझ लो तो वो पुरानी बात एज इट इज लिखी जाएगी। यही सेम पॉइंट लिखे हुए हैं, सेम के सेम, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। और जब हम लिख रहे हैं बर्थ ऑफ या मर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स, वही पॉइंट दोबारा लिख दिए, भाई उनकी एंट्री क्यों हो पाई, क्योंकि उन्होंने इंडिया का हैंडीक्राफ्ट खत्म किया, उनका ये लास्ट गोल था। अगर आप इतना भी लिखा है अपनी लैंग्वेज में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, हेडिंग सही होनी चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि अमर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स, और यहाँ पे यही लिखा, इन सब का इम्पैक्ट क्या आया, इंडियन मर्चेंट कोलैप्स कर गए, ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपकमिंग ईयर्स में क्या एंजॉय करी, मोनोपोली। और बेटा डंपिंग का इम्पैक्ट यही बताया था, एक बार आपकी मोनोपोली हो जाए, फिर आप जिस रेट पर प्रोडक्ट बेचना चाहो उस रेट पर प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट नंबर फोर, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया, अमर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखे, और जरा बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। भैया क्या कह रहे, ब्रिटिशर्स ने ना इंडिया में थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लगा दी थी। भैया ऐसा कैसे, यहाँ तो आपने समझाया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ तो आपने समझाया फर्स्ट पॉइंट में इंडस्ट्री को खत्म करा दिया, और यही इसका कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ा रहे हो कि उन्होंने थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लगाने दी इंडिया में। ऐसा क्यों भैया, वो क्यों चाहेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्री लगे। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्री लगवाई, मेन पॉइंट ये है क्यों लगवाई। क्या बेटा, खाली अपने बेनिफिट के लिए, इस बात को भी याद रखना भैया, अपने बेनिफिट के लिए क्यों। बेटा 1920 के आसपास, 20 से 30 के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन की जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। उनकी जो पूरे वर्ल्ड में पावर थी ना, वो हर एक जगह युद्ध हार रहे थे। और बेटा पैसा तो तभी आएगा जब धंधा चलेगा, धंधा नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ब्रिटिशर्स को जब खतरा लगा, हैरानी की बात वैसे ये है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है भैया, बोलते रहो बाहर, भैया गेट खुला, सबका फोकस भाई, कौन आया है। लेकिन यहाँ पे एक दो बच्चे नहीं, ये तीन चार, ये सारे बच्चे, इनके फोकस यहाँ से ना, ये बाहर देख रहे हैं ऐसे। अच्छा हाँ कोई आया है, क्या बात हो रही है बेटा, कौन आया, देख लिया, मिला है। अच्छा आया ही नहीं, बड़ा दुख होगा इस बात का, दिखा ही नहीं कौन आया, डंगर कहीं के। अच्छा दिख गया था, जितना जितना कंसंट्रेशन वहां पे लगाया, इतना ध्यान बेटा थोड़ा सा सामने पढ़ाई पे भी लगा दो, क्या पता नंबर आ जाए। दोबारा बेटा, बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडस्ट्री का बर्थ क्यों होने दिया। पहली बात तो दो बातें याद रखनी है इसमें, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इंडस्ट्री लगाने तो दी, लेकिन वो कंसेप्ट शुरू में एज ए एजेंसी आया था। मींस ब्रिटिशर्स ने कहा ये दो तीन गुड्स की इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, लेकिन बस आप इसे मैनेज करोगे, ओवरऑल कंट्रोल या प्रॉफिट किसका ही होगा, ब्रिटिशर्स का ही। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी हालत और खराब हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको भी अलाउ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लगाना चाहो तो लगा लो। ये दोनों में एक साथ समझाऊंगा, मॉडर्न इंडस्ट्री का बर्थ भी हुआ और धीरे धीरे स्लो डेवलपमेंट भी हुई। इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि इंडिया में कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे लगी। आज के दिन कपड़ा कहाँ का फेमस है,
सबसे ज्यादा सूरत आपने कहा भैया सूरत का है। सूरत गुजरात में आता है? पूछ लो बेटा, मुझे क्या पता। आ जाता है पक्का? गलत, कोई गलती तो नहीं होगी बेटा। ये आज के दिन कोटन के लिए इतना एरिया फेमस जो है ना, मैंने पहले कहा बेटा, आज जो भी हो रहा है वो किस चीज का इम्पैक्ट है कि आज से 100 साल पहले क्या किया गया था। आज से 100 साल पहले ही ब्रिटिशर्स ने जब कॉटन इंडस्ट्रीज लगाई थी तो वो कौन से एरिया में लगवाई थी? गुजरात में लगवाई थी। वहां पे जब फर्स्ट टाइम पे हमने इंडस्ट्री लगाई, धीरे धीरे वो इतना डेवलप हो गया है कि पूरे इंडिया में जितनी मिल्स गुजरात में हैं, जितना कपड़ा वहां से आता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो सिंपल या हम उसके फिनिश गुड्स की बात करें, मेन हब है सूरत में इस चीज का। जो भी हमारे में भी ऐसा हो सकता है बैच में, कितने बच्चे हैं शायद जिनके पेरेंट्स किसके काम कर रहे हो, कपड़ों का काम करते हो, तो उन्हें बहुत अच्छे से बेटा आपके एक सीट छोड़ के बैठा हुआ है ना, वो हैंड तो कंबल नहीं आ रहे वहां से, कंबल कहाँ से? अच्छा तो ले लो 800 रुपये पहले। बेटा अपनी रिसर्च बाद में कर लेना, जरा कंसेप्ट पे आ जाएं बेटा, प्लीज बात ना हो सामने। देखो इंडिया में पहली कॉटन इंडस्ट्री किस साइड लगी थी? गुजरात में। ये आपको याद रखना है, स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री में। और मैंने ये क्यों समझाया सिंपल, जिससे कि आप चीजें याद रख सको कि आज के दिन सूरत फेमस इसलिए है क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट पहली शुरू हो गई थी। सबसे ज्यादा आयरन किस कंपनी का फेमस है आज के दिन? टाटा का। और उसके पीछे का रीजन भी है क्योंकि वो आज से 110 115 साल पहले क्या हो गई थी इंडिया में स्टेब्लिश। आपको पता होना चाहिए दुबई में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना, वहां जितना भी स्टील गया हुआ है वो कौन सी कंपनी का गया है? टाटा कंपनी का गया हुआ है सारा का सारा। दूसरी बात, उस कंपनी बेटा अपना रिसर्च बाद में कर लो, मेरे से सुन लो, उस बिल्डिंग में जितने भी एसी हैं वो भी किसने सप्लाई करे हैं? टाटा ने ही सप्लाई करे हैं बेटा। वोल्टास कंपनी किसकी है? टाटा की है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दो पॉइंट एक साथ रीड करना बेटा, इस पे एमसीक्यू आएंगे इसलिए बड़े ध्यान से बता रहा हूँ बातें। कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो एमसीक्यू नहीं होने वाले आपसे। मैंने क्या समझाया, बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कॉलोनियल रूल के समय कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई बेटा, ये नहीं है कि आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना है, बस समझ लिया काम खत्म। मैंने आपको क्या बताया, कॉलोनियल रूल के समय कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप हुई। ये ब्रिटिशर्स की क्या नहीं थी, चॉइस नहीं थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी जो पावर थी ना पूरे वर्ल्ड में, वो किस में थी? सीरियस थ्रेट, मतलब वो हार रहे थे हर एक जगह वर्ल्ड। तो इसलिए जब वर्ल्ड वॉर में बेटा नुकसान होता है ना, पैसे जा रहे होते हैं, तो हर एक को फंड चाहिए होता है। अब फंड की शॉर्टेज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स के पास जब शॉर्टेज थी ना, तो उनपे पढ़े लिखे लोग थे ना, उनके पास मैनेजरियल स्किल्स थी, क्योंकि उनका सारा नुकसान किस में हो रहा था? वॉर में। इससे बचने के लिए उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री लगाई। और मेन पॉइंट ये भी याद रखना है, कौन से सिस्टम से? मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। भैया इस सिस्टम का मीनिंग क्या है? इसमें हमने इंडिया को अलाउ करा कि आप कंपनी को मैनेज करोगे और सेटअप कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। वही बात है, कंट्रोल ब्रिटिशर्स का है, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट दे दिया, कमाई ब्रिटिशर्स की होगी, बस मैनेजमेंट आपको दे दिया। लेकिन मैंने पहले बताया था, लेटर ऑन धीरे धीरे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किसको भी अलाउ कर दिया? प्राइवेट इंडस्ट्री को। और मैंने इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट समझाया था, स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कह रहे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने थोड़ी बहुत, ब्रिटिशर्स पुट द सीड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री अलाउ तो करी लेकिन इनका डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ। और बेटा ये याद जरूर रखना है कौन सी इंडस्ट्री किस किस पार्ट पे लगी थी, क्योंकि इसमें एमसीक्यू आ सकता है। मैंने एक ही समझाया,
इंडिया में कॉटन और जूट की टेक्सटाइल मिल्स मेनली कहाँ पे सिचुएटेड हुई थी? वेस्टर्न पार्ट, बेसिकली कहाँ पे? महाराष्ट्र और गुजरात। और आज के दिन ये धंधा सबसे ज्यादा वहीं चलता है। अगर आपने धीरू भाई अंबानी की फिल्म देखी हो गुरु, जो कि धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनी हुई है, मुकेश अंबानी के फादर, उसमें दिखा रखा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से ये टेक्सटाइल का बिजनेस चलता है। और वो जो आज के दिन मुकेश अंबानी बना है, या मुकेश अंबानी का मेन बेस तो धीरू भाई अंबानी ने बनाया था ना, उन्होंने धंधा सबसे पहले कौन से शुरू किया था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शुरू किया था। विमल इंडस्ट्री थी उनकी एक समय पे, पहले उनका बिजनेस वो था, धीरे धीरे बिजनेस चेंज करके आज के दिन वो अलग अलग बिजनेस में एंटर करे हुए हैं। लेकिन अगर आप उस मूवी को देखोगे तो समझ में आएगा कि वो बिजनेस स्टार्ट कहाँ से हुआ और जूट मिल्स कहाँ पे सेटअप हुई थी? बंगाल में। ये मैंने पहले बता दिया बेटा, एक तो कॉटन और जूट मिल्स अलाउ हुई, और इसके बाद कौन सी इंडस्ट्री भी अलाउ हुई? आयरन एंड स्टील, जो कि कहाँ पे कब स्टार्ट हुई? बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आ सकता है बेटा, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर इनकॉर्पोरेटेड। और उसके बाद थोड़ी बहुत सीमेंट, शुगर और पेपर की इंडस्ट्री भी सेटअप हो गई थी। कौन से वर्ल्ड वॉर के बाद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बेटा 3 पॉइंट कल बताए थे, 3 पॉइंट ही आज बताए। अभी 2 छोटे से पॉइंट है, इसे एक बार कंप्लीट कर लें, फिर एक बार आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। अब कंप्लीट ही कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स कितने तेज हैं बेटा, अब द्वारा प्रूफ होगा नेक्स्ट पॉइंट से। बेटा नहीं, आज देख के भेजेंगे आपको। ब्रिटिशर्स ने ये सारी फैक्ट्री कंज्यूमर गुड्स की है बेटा, प्लीज बात ना हो, ये सारी फैक्ट्री कंज्यूमर गुड्स की है जो अभी तक पड़ी। ब्रिटिशर्स ने कौन सी फैक्ट्री लगने ही नहीं दी यहाँ पे? कैपिटल गुड्स की बेटा। वो हमेशा ये चाहते थे अगर हम यहाँ से चले भी जाए ना, तब भी आप उन पे डिपेंडेंट रहो, और यही हो रहा है बेटा। आप आज के दिन भी जो कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, आप कभी किसी फैक्ट्री में जाना यहाँ पे, चाहे स्टील फैक्ट्री में चले जाना या पेपर फैक्ट्री में चले जाना, बेटा वो स्टील और पेपर तो बना पा रहे हैं, लेकिन जिस मशीन से वो पेपर बन रहा है या जिस मशीन से वो स्टील बन रहा है, क्या वो मशीन इंडिया में बन रही है क्या? वो हमेशा पता है, यहाँ पे जब कोई फैक्ट्री लगती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यार पता है ये तेरा भाई मशीन कहाँ से लाया 100 करोड़ की? चाइना से लेके आया हूँ ये मशीन। बेटा मुझे पता है, इसीलिए मैंने बताया है ना कि ये जो मशीन है ना, ये मशीन कहाँ से लेके आया मैं? चाइना से लेके आया। बेटा तुम पेपर तो बना पा रहे हो, लेकिन जिस मशीन से पेपर बन रहा है वो मशीन तो तुम आज तक भी नहीं बना पा रहे। और फिर मोदी जी कहते हैं हमें आत्मनिर्भर बनना है। बेटा ये तो हमें पिछले 70 साल से पता होना चाहिए, हम आज के दिन भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की ही कारण है। ब्रिटिशर्स ने तब हमें अलाउ करा कि छोटी मोटी चीजें बना लो, चलो कैपिटल गुड्स ना तुम बनाओगे, और वो असर आज तक है, हम आज तक नहीं बना रहे। आज के दिन बड़ी बड़ी मशीन, अभी हमने जब रफाल है या क्या है उसमें, राफेल, राफेल की डील करी, वो डील भी किससे करी? फ्रांस से करी, पता नहीं कितने लाख करोड़ की डील थी। वो क्या शो कर रहा है? तुम इंडियंस आज भी बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने में इनकैपेबल हो, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा। इजराइल है, 90 लाख लोग रहते हैं, 1 करोड़ भी नहीं है, हम 140 हो गए भाई, वो एक भी नहीं है, हम 140 हो गए। और वो 1 करोड़ लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं, वो किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट नहीं करते, वो किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, और हमारे जैसे 140 बढ़े ही जा रहे हैं। वे कभी दिमाग धंधे पे भी लगा लो, जो चीज नहीं हो रही इंडिया में, कैपिटल गुड्स नहीं बनते, हम आज के दिन भी उस पर डिपेंडेंट है बेटा। ये लिखा हुआ है और इसके पीछे का आंसर भी लिखा हुआ है। कौन, क्या इतने कम क्यों हैं उनकी? बेटा उनकी कम नहीं है, हमारी बहुत ज्यादा है। क्या यूज करते हैं।
बेटा आपकी पॉपुलेशन ना ओवर है, इस बात को मानो। और जहाँ पे डिस्कशन जिस चीज का चल रहा है वो तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन इतनी है और इसीलिए आज तक हम ना कैपिटल गुड्स बना पाए ना, मुझे फ्यूचर जनरेशन में लग रहा है कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि हम कैपिटल गुड्स बना पाए हैं। पास क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? बेटा इस बात को मुझे दोबारा ना कहने की जरूरत पड़े, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बातें कि किस समय कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। बेटा यहाँ पे मैंने आपको समझाया कैपिटल गुड्स का मीनिंग तो आपको पता है, वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में यूज होते हैं मशीन्स। ब्रिटिशर्स ने खाली कंज्यूमर गुड्स अलाउ करे, कैपिटल गुड्स अलाउ ही नहीं करे, और उसका सिंपल रीजन आज तक है, वो हमेशा ये चाहते थे हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहे, और रियलिटी यही है हम डिपेंडेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। इन शॉर्ट ये समझ लो आज के दिन भी हमें बहुत डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हम छोटी मोटी चीजें तो इंडिया में बना रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया में अभी ग्रोथ के चांसेस हैं तो किस चीज के हैं? कैपिटल गुड्स इंडिया में बनने चाहिए। और लास्ट और पॉइंट खत्म, जब इंडिया में कैपिटल गुड्स बने ही नहीं, कंज्यूमर गुड्स भी बहुत कम बने, कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स ही लगी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी, इतने बड़े भारत में ये तीन चार पांच इंडस्ट्री कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकती थी, तो ओवरऑल हमारा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री सेक्टर से वो क्या ही रहा? बहुत कम। कह रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं होने दी, खाली कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को अलाउ किया, कैपिटल गुड्स को रिस्ट्रिक्टेड किया। इसी के कारण जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का वो बहुत कम रह गया, कन्फाइन का मतलब बहुत कम रह गया, और इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। बेटा इसे जल्दी से साथ के साथ हेडिंग्स याद रख लो, रीड कर लो, मैं अभी 5 मिनट बाद दोबारा ये हेडिंग्स आपसे सुनूंगा, कर लो इसे। बेटा मैंने अभी आपको 7 पॉइंट बताए कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तो उसका इम्पैक्ट क्या आया, तो देखते हैं 7 पॉइंट में से किसे कितने कितने पॉइंट्स याद हैं। एक बार उसका भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और पूरे बैच का भी रिवीजन हो जाएगा। बेटा पार्थ, बेटा आपसे प्यार ही इतना है ना। बेटा बताना चाहेंगे दो तीन चार पॉइंट, सात तो नहीं, चलो तीन चार ही पॉइंट बता दो कि क्या इम्पैक्ट आया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेटा उसके आगे ये वाला कौन सा है ये तो पता है बेटा, टेंशन बढ़ेगी जिंदगी में कम नहीं होगी, और दूसरों की लाइफ से ज्यादा अपने कंसेप्ट पे फोकस रखो। राघव बेटा, अयान, जब मैं एक से पूछ रहा हूं तो बेटा उसे आंसर देने दो, मैं इतनी देर से बस शांत। अनएम्प्लॉयमेंट, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल, बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तीन, स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, बहुत अच्छे 5 पॉइंट। चलो
5 पॉइंट हो गए। यश बेटा जो रह गए शुरू से ही जीरो से बताना चाहोगे? बेटा याद होंगे तभी अगर शुरू से आएंगे। सबसे पहले डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, देन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे क्या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। रुको अब, 3 पॉइंट हो गए कंप्लीट। जब ये खत्म होगी हमारे यहाँ इंडस्ट्री, तो ब्रिटिशर्स आ गए। जब ब्रिटिशर्स आ गए तो क्या लिखेंगे? अमर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटेन गुड्स। भाई ब्रिटेन गुड्स इंडिया में आ चुके हैं, अब वो बिक गए, जब उनका भी काम हो गया, अब कह रहे इंडिया में इंडस्ट्री लगा दो, जिसमें का बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। फिर उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हुई तो स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। फिर उन्होंने कैपिटल गुड्स अलाउ नहीं करे तो नेग्लिजिबल कैपिटल गुड्स। और जब हमने देखा कि कैपिटल गुड्स है ही नहीं और कंज्यूमर कम है तो लो कॉन्ट्रीब्यूशन इन GDP। बेटा अगर 7 पॉइंट को लिंक बना के सोचोगे तो याद हो पाएंगे। अगर सिंपल रटना चाहोगे तो अभी तो आपने 2 मिनट रट्टा मार लिया, घर जाके भूल जाऊंगे मैं। दोबारा एक बार, 1 मिनट है दोबारा सुन लेना बस। पहले ये देखो, उन्होंने इंडस्ट्री खत्म करी, उनके गुड्स यहाँ पे आए, फिर उन्होंने इंडिया में थोड़ी बहुत इंडस्ट्री अलाउ करी जिनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम था, क्योंकि कैपिटल गुड्स कभी अलाउ ही नहीं हुए आज के